अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शायरा रॉय है। मैं एक सिंगर हूँ और एक एक्ट्रेस हूँ। आज मैं इंडिपेंडेंट उर्दू से जो बातें करने जा रही हूँ वो शायद मैंने अभी तक इतना खुलकर कभी किसी के साथ, किसी मीडियम के साथ नहीं की। शायरा रॉय जिसको लोग अभी तक जानते हैं कि वो एक सिंगर है, कई लोगों को सवाल है कि इसको, इसका जेंडर क्लियर नहीं है और इसके जेंडर का क्या इश्यू चलता है, बिकॉज ये थोड़ी बहुत यू नो मैनली लगती भी है, दिखती भी है, ऐसा कुछ है क्या? तो ये सच है कि मैं एक ट्रांसजेंडर औरत हूँ। ये एक हकीकत है जिसे बिल्कुल भी कोई पर्दा नहीं करना चाहती और मैं इसको इतना ज़्यादा फ्लॉन्ट भी नहीं करना चाहती। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने अपनी जीन्स को एक तरफ से दूसरी तरफ कन्वर्ट किया है, मेल से फीमेल में। इसके बारे में लोग अमूमन इतना खुलकर बात नहीं करते, लोग इसको टैबू समझते हैं और समझते हैं कि शायद हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो हमें जज किया जाएगा। एंड आई एम श्योर यहाँ पर नीचे भी काफ़ी कमेंट्स में ऐसी ऐसी बातें कहने को मिल सकती हैं, मुझे अमूमन मिलती हैं। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी रही है मेरी, ये बहुत मुश्किलों वाली जर्नी रही है और अभी भी वो जर्नी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दी है। अभी भी मुझे क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, कई लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से मैंने अपना सर्कल छोटे और छोटा और छोटे से छोटा कर लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसी जो मैंटेलिटी सेट हुई हुई है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई इस तरह इंसान कदम रखता है या थोड़ा अपने बाकी मुख्तलिफ लोगों से डिफरेंट होने की कोशिश करता है तो उसको डिसऑन कर दिया जाता है या उसको डिसएग्री कर दिया जाता है या उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और कभी कभी मुझे भी ऐसा फीलिंग आता है कि शायद मैं भी सेफ नहीं हूँ। लेकिन क्यों आता है, मैं ये जानना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस से, अपने पाकिस्तान के लोगों से, कि ऐसा क्यों ऐसा किया है, क्या गुनाह किया है, ऐसा क्या गलत काम कर दिया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हकारत, इतनी ज़्यादा तन्हाई मिल जाती है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन विद डबल मेजर। मैंने डबल मेजर किया है एक जानी मानी दुबई की यूनिवर्सिटी से। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। मैं जब छोटी थी तब से मैं जानती थी अपने बारे में, मेरी मम्मा भी कहीं हद तक मुझे जानती थी, लेकिन इस चीज़ को तब कॉन्फिडेंटली मैंने अपनाया नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ट्रांजिशनिंग की तरफ जाऊंगी। मैं फेमिनिन दिखती थी, फेमिनिन मेरी आवाज़ थी, फेमिनिन मेरा सब कुछ, मेरी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ था, और मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं मैनली हूँ या लड़कों वाली कोई हरकत है मुझ में, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे लगता था कि अगर मैं इस तरह रहूँगी, अपने जेंडर को, अपने जेंडर डिसऑर्डर को ऑर्डर में नहीं लाऊंगी तो कहीं ना कहीं मैं बीच में रह जाऊंगी, जिसकी वजह से लोग मीठा, गे और पता नहीं क्या क्या अल्फाज भी कसते थे, जिससे मुझे ऑफ कोर्स यू नो बुरा लगता था और तलख महसूस होता था उनके लहजे में। मैंने जब ये चीज़ें अपने साथ महसूस की तो मैं किसी को बता नहीं पाती थी, क्योंकि हमारा जो घर का सर्कल था, जो इन्वायरमेंट था, वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं था कि आप इतने ओपनली इस तरह की बातें कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं मेरी फैमिली ये जानती थी और वो अभी तक डिनाई करती है कि नहीं, ये बात जो थी शायद ये अपने शौक से करती है या अपने एक उसने अपना एक अटायर बनाया हुआ है, एक अपना उसने लुक बनाया हुआ है, लेकिन ये वो है नहीं। उनको अभी तक प्रॉपरली मैसेज कन्वे नहीं हुआ। और देखते देखते मेरी ज़िंदगी चैलेंजेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाक्य में बदलती गई। स्कूल में बुली तो किया ही जाता था और साथ साथ घर वाले भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, आज तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जब आप जेंडर अपना एक बदलते हो या अपने जेंडर को चेंज करते हो तो उसके पीछे कोई मजाक नहीं होता। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी ज़िंदगी वो मजाक में ले आए या अपनी ज़िंदगी को एक डाल मडाल तौर पे गुजारना शुरू कर दे। उसके पीछे एक मखसूस वजह होती है, पुख्ता वजह होती है।
मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग ट्रांसफॉबिक हैं या जिन लोगों को लगता है कि मैं या मुझ जैसी कई लड़कियाँ अपनी जींस को बदल कर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हैं या कोई बहुत ज़्यादा उन पर अजाब है, खुदा ना हास्ता, उनके बारे में ऐसा कहना छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके भी आसपास आपका अपने में भी ये बात हो और वो आपके ही डर से आपके कतराहत उसमें आती हो और आपके ही खौफ से या आपकी ही किसी ऐसी हरकत से वो नहीं बताता हो। और कई ऐसे लोग जो होते हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं, जैसे मैंने कोशिश की थी, अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर लेते हैं या आइसोलेशन में चले जाते हैं या डिप्रेशन की वजह से आके बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ उनको ट्रीटमेंट कीजिए, उनको एक अपनी एक सपोर्ट रखिए, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, रिश्तेदारों का सपोर्ट इस सिचुएशन में होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इंसान अकेलेपन में रहकर ख़त्म हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है ये दौर, ये सफ़र, ये दुनिया बहुत ज़ालिम है। मैं बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इस जुल्म को ख़त्म किया जाए और ट्रांसजेंडर वुमेंस को सिक्योरिटी दी जाए, उनके ऊपर गंदे अल्फाजों का और लफ्ज़ों का सहारा ना लिया जाए और उनको इज्जत की जाए। यही मेरा रिक्वेस्ट है और यही मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ। बहुत जल्दी मेरा गाना कमली आ रहा है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, जिसमें बहुत खूबसूरत आवाज़ मोहसिन अब्बास हैदर ने दी है, काम किया है उस गाने में। मेरे साथ मैं हूँ, असद चौधरी हैं, और इंशाल्लाह जब आप इस गाने को सुनेंगे और देखेंगे तो आपको मेरा काम, मेरी पूरी टीम का काम बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया।